स्टूडेंट वेलकम इन माय चैनल आई डॉक्टर धर्मवीर कुमार सिन्हा विद न्यू वीडियो एंड माय टुडेज टॉपिक इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। जैसा कि कल हम लोग क्लासिफिकेशन के कैटेगरीज के बारे में देखे थे, हायरार्की लेवल की बात किया था जिसमें सेवन कैटेगरी का नाम बताया गया था, उसका लिए एक शॉर्ट फॉर्म आर करने का एक टेक्निक भी दिया था। टेक्निक आता है ना, वो क्या था टेक्निक, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, आज वह है टैक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स का मतलब होता है हेल्प, एड्स मीन्स हेल्प, हेल्प्स। इट मीन्स द डिफरेंट इंफॉर्मेशन और स्पेसिमेंस, द डिफरेंट इंफॉर्मेशन और स्पेसिमेंस विच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स। कल मैं तुम लोग को इसके पहले वीडियो में बताया था कि सिस्टमेटिक्स के मेनली चार फील्ड होते हैं, जिसमें पहला था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा था क्लासिफिकेशन, तीसरा था नोमेनक्लेचर और चौथा था टैक्सोनॉमी। हालांकि आइडेंटिफिकेशन के पहले का भी एक स्टेज कहीं कहीं देखने को मिलता है, वह स्टेज है कैरेक्टराइजेशन, यानी सबसे पहले उसको हम कुछ कैरेक्टर नोट करेंगे, उसके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, तब उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो जो कैरेक्टराइजेशन में, आइडेंटिफिकेशन में या क्लासिफिकेशन में जो हेल्प करेगा, उसे ही हम कहेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। डेफिनेशन मैं लिखा हूं, स्टोर हाउसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिमेंस विच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, जोड़ सकते हैं कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स। अगर हम एड्स की बात करें, टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करें, तो ये दो तरह का हो सकता है, एक डेड फॉर्म में और एक लिविंग फॉर्म में, एक डेड फॉर्म में और एक लिविंग फॉर्म में। अगर डेड फॉर्म की बात करें तो दो आता है, एक है हार्वेरियम, फर्स्ट इज हार्वेरियम एंड सेकेंड इज म्यूजियम। दीज आर द टू टैक्सोनॉमिकल एड्स प्रेजेंट इन डेड फॉर्म और वेयर लिविंग्स इंडिविजुअल्स आर प्रिजर्व्ड इन डेड फॉर्म एंड there are two aids, one is called botanical garden, one is called botanical garden and other is zoological park. These are the two taxonomical aids where livings are kept in living form. Okay, so these are the different types of aids or taxonomical aids. इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हर्बेरियम का। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस। एम इज अ स्टोर हाउस, ये स्टोर हाउस है जहां कुछ न कुछ स्टोर किया जाएगा। अब क्या स्टोर किया जाएगा, तो जनरली प्लांट स्पेसिमेंस आर स्टोर्ड एंड इन हार्वेरियम प्लांट स्पेसिमेंस आर स्टोर्ड इन डेड फॉर्म। किस फॉर्म में, डेड फॉर्म में होगा, ड्राइड फॉर्म में होगा, डेड, ड्राइड, प्रेस्ड फॉर्म। इन हर्बेरियम डिफरेंट लिविंग्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडीज आर प्रिजर्व्ड ऑन ए पेपर शीट इन डेड फॉर्म, ड्राइड फॉर्म और प्रेस्ड फॉर्म। इट मीन्स इन हर्बेरियम प्लांट स्पेसिमेन आर पेस्टेड
on paper sheet, also called herbarium sheet. Paper sheet, also called herbarium sheet, and the herbarium size of herbarium sheet is, size of herbarium sheet is a standard size of herbarium sheet is 16.5 × 11.5 inches. यानी कह सकते हैं 11.5 × 16.5 inches. याद रखना है 11.5 × 16.5 inches. सपोज दैट दिस इज हर्बेरियम सीट. ऑन हर्बेरियम सीट एनी प्लांट्स प्लांट्स पार्ट्स आर पेस्टेड in dried form or pressed form, this like, and different types of information also written on herbarium sheet. अब information क्या क्या लिखा जाएगा? Information होगा name of, पर लिखिए इन्फॉर्मेशन, डेट, प्लेस, नेम ऑफ अ स्पेसिमेन, नेम में लोकल नेम, इंग्लिश नेम एंड बोटनिकल नेम. बोटनिकल नेम आफ्टर डैट name of collector. These all information are written in right corner of the herbarium sheet, right upper corner of the herbarium sheet, and in size 7 × 12 centimeter. 7 × 12 centimeter इस साइज में एक कॉर्नर में सारा इंफॉर्मेशन लिखा मिलेगा. ठीक है. नाउ दिस हर्बेरियम सीट इज अस्प्रेड. हर्बेरियम सीट इज अस्प्रेड बाई कार्बन डाइसल्फाइड, डीडीटी, मर्क्यूरी क्लोराइड, etc. for the preservation of plant species from fungus. It means different types of chemicals such as mercury chloride, DDT, carbon disulfide prevents the growth of fungus, fungi on herbarium sheet. After that, this herbarium sheet is kept on metallic cupboard. Herbarium sheet is kept on, placed in metallic cupboard according to any system of classification. Okay, this sheet is kept herbarium sheet is kept on metallic cupboard according to any system of classification. हालांकि अभी तक classification का system बताया नहीं गया है, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे. तो किसी न किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर ही
हर्बेरियम सीट को मेटेलिक कपबोर्ड पे अरेंज किया जाता है। ये हुआ हर्बेरियम एंड डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ हर्बेरियम। एग्जांपल ऑफ हर्बेरियम रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन क्यू, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन क्यू एंड म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री इन पेरिस। म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री इन पेरिस। इन रॉयल बॉटनिकल गार्डन अप्रोक्सीमेटली 6.5 million species are kept, while in Museum of National History in Paris approximately 6 million species are preserved. In India, example of herbarium in India is Indian Botanical Garden, Kolkata. Indian Botanical Garden, Kolkata, West Bengal, in which approximately 2 million species are preserved. So, herbarium is the first taxonomical tools. Second is museum. Museum is a storehouse where a specimens are also preserved in dead form. Museum में भी a specimen को dead form में ही preserve किया जाएगा, ठीक है? लेकिन बात आती है कि museum में plants and animals both a specimens are preserved. Both specimens are preserved. ठीक है, अब देखें, मैं इसके पहले बात किया हर्बेरियम, और हर्बेरियम में बताया कि प्लांट स्पेसीज को प्रिजर्व किया जाता है, म्यूजियम में भी किया जाता है। तो दोज टाइप्स ऑफ प्लांट्स डेट आर नॉट प्रिजर्व्ड इन हर्बेरियम, जिसको कि कैनॉट प्रिजर्व इन हर्बेरियम, दैट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पेसीज इज प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम। ठीक है, ओनली दोज प्लांट्स आर प्रिजर्व इन म्यूजियम विच कैन नॉट बी केप्ट इन हर्बेरियम। सभी को नहीं, जिसको कि हर्बेरियम में हम नहीं रख सकते हैं, वैसे प्लांट स्पेसीज को म्यूजियम में रखा जाता है। ओनली दोज प्लांट स्पेसीमेन आर केप्ट इन म्यूजियम विच कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड इन हर्बेरियम, सच एज एल्गी, फंजाई, parts of gymnosperm, fruits, etc. These are the different parts of the plant
different plant specimen that is also preserved in museum. Okay. In museum, animals are also preserved. Small animals are preserved in bottle or in can. Small animals are preserved in bottle or can. In which alcohol or formalin is used as preservatives. म्यूजियम में अल्कोहल और फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड को प्रिजर्वेटिव के रूप में स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने में यूज किया जाता है. तो यह स्मॉल एनिमल के लिए, स्मॉल प्लांट स्पेसिमेन के लिए. लेकिन अगर कोई लार्जर एनिमल्स हो तो उसको किस बोतल में बंद करेंगे, किस कैन में बंद करेंगे, बंद नहीं कर पाएंगे ना. तो उसके लिए अलग टेक्निक है. लार्जर एनिमल्स प्रिजर्व्ड इन स्टफ्ड और इन स्केल्टन. स्टफ्ड और इन स्केल्टन फॉर्म्स. या तो उसका स्केल्टन को प्रिजर्व कर लिया जाएगा या नहीं तो स्टफ्ड मीन्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अंदर का एनाटोमिकल जो स्ट्रक्चर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और अंदर में सिर्फ कुछ अलग से हस्क वगैरह डाल करके उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है. ठीक है. अगर हम देखें म्यूजियम का एग्जांपल, तो म्यूजियम का एग्जांपल है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ होगा जी? तो अमेरिकन में है, न्यूयॉर्क इन यूएसए. नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन पेरिस इन लंदन. एंड इन इंडिया म्यूजियम ऑफ आर्थोपोडा इन पुणे. म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोडा इन पुणे. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ म्यूजियम. नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल टूल इज बोटनिकल गार्डन. बोटनिकल गार्डन इज ए टैक्सोनॉमिकल एड्स वेयर प्लांट्स आर केप्ट इन लिविंग फॉर्म. वेयर प्लांट्स आर केप्ट इन लिविंग फॉर्म. सो नेक्स्ट एड इज बोटनिकल गार्डन. नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड इज बोटनिकल गार्डन. इट इज अ स्पेशलाइज्ड गार्डन. इट इज अ स्पेशलाइज्ड गार्डन वेयर numerous species of plants are grown for reference or identification purpose या इन्फ्रेंस के लिए
जहां बहुत सारे प्लांट को ग्रो किया जाता है उसी का नाम हम देते हैं बोटनिकल गार्डन। एंड ईच प्लांट इज ऑल्सो लेबल्ड। अब उसका जब लेबलिंग करेंगे तो क्या क्या लेबलिंग होगा, इसका भी लेबल्ड क्या आता है, इस प्लांट इज लेबल्ड, लेबलिंग में नेम ऑफ द प्लांट, इन नेम, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम एंड फैमिली ऑफ द प्लांट, यूज ऑफ द प्लांट एंड मेरी रिटेन क्लासिफिकेशन, ओके। इन बोटनिकल गार्डन लेबलिंग इज डन ऑन ए प्लेट, मेटेलिक प्लेट नियर द प्लांट्स, प्लांट्स के निकट मेटेलिक प्लेट पर सारा इंफॉर्मेशन लगा दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बोटनिकल गार्डन, रॉयल बोटनिकल गार्डन इन लंदन और क्यू, एग्जाम्पल रॉयल बोटनिकल गार्डन इन क्यू, रॉयल बोटनिकल गार्डन इन क्यू, इंडियन बोटनिकल गार्डन, इंडियन बोटनिकल गार्डन कोलकाता ईटीसी। एंड लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड इज जूलॉजिकल पार्क, लास्ट इज जूलॉजिकल पार्क, दिस इज द लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड, इट इज पार्क वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन ओपन इनक्लोजर, पार्क वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन ओपन इनक्लोजर्स, ओपन इनक्लोजर्स इंस्टीड ऑफ केज, केज में नहीं होगा, इंस्टीड ऑफ केज। जैसा कि अगर हम बात करें जू और जूलॉजिकल पार्क में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, जू में एनिमल केज में होते हैं और विजिटर्स फ्री होता है, जू में एनिमल केज में होता है और विजिटर्स फ्री होते हैं, लेकिन अगर हम जूलॉजिकल पार्क की बात करें, जूलॉजिकल पार्क में एनिमल फ्री होता है और विजिटर्स केज में होते हैं, यानी जो भी विजिट करने वाले होते हैं वो बंद केज में सफर करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन जो एनिमल होगा वह नेचुरल हैबिटेट में होगा। इन जूलॉजिकल पार्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जूलॉजिकल पार्क ऑल्सो हेल्प्स इन एक्स सीटू कंजर्वेशन, इंडेंजर्ड एनिमल्स आर कंजर्व्ड बाय टू मेथड्स, इन सीटू एंड एक्स सीटू, इन सीटू मीन्स देयर नेचुरल हैबिटेट एंड एक्स सीटू मीन्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जहां उसकी स्थिति खराब हो गई, जहां उसका नंबर कम हो गया, वहां से निकाल करके किसी दूसरे पार्क में उसको प्रिजर्व किया जाता है और फिर अगर नंबर ठीक हो जाता है तो वापस छोड़ दिया जाता है, तो ये कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एंड जूलॉजिकल पार्क ऑल्सो हेल्प इन एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूलॉजिकल पार्क आर प्रेजेंट सच एज कान्हा नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ओके।